हम जब भी एक टीवी खरीदने जाते हैं ना, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स वी लुक आउट फॉर, जैसे कि साइज है, इमेज क्वालिटी है, साउंड है, बट मोस्ट पीपल ऑलवेज फॉरगेट कि इससे एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टू गेट अ रियली गुड स्टेबलाइजर फॉर योर टीवी। अब ऑब्वियस क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, स्टेबलाइजर फॉर टीवी क्यों भाई? एसी और फ्रिज के लिए तो सुना है, व्हाई डू यू नीड इट फॉर अ टीवी? पर लोग तो नहीं लगाते हैं। देखिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस आर वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स ऑफ ऑल द डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इतना अच्छा टीवी खरीद के आएंगे, सब कुछ उसके अंदर देखते हैं कि क्या बेस्ट है, एंड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। अब क्या होता है जब वोल्टेज बहुत फ्लक्चुएट करती है, बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करती है? जितने हमारे कनेक्टेड अप्लायंसेज जो हमेशा प्लग्ड इन रहते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, ये बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कॉन्स्टेंटली वेरी करती है, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली चेंज करता है लोड ऑन द पीसीबी ऑफ दीज अप्लायंसेस, जिसके साथ एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कुछ ब्लू आउट हो सकता है। एक्सटर्नल स्टेबलाइजर हेल्प करता है विद ऑल ऑफ दिस। अब कुछ टीवी ब्रांड्स ने हमको कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई देखो, यू डू नॉट नीड एन एक्सटर्नल स्टेबलाइजर, हमारे टीवी में तो इनबिल्ट स्टेबलाइजर है। यू नो, ये कंप्लीटली फॉल्स है। हम लोग ने इसकी काफी छानबीन की, देयर इज नो सच थिंग एज एन इनबिल्ट स्टेबलाइजर फॉर अ टीवी। ये जो ब्रांड्स हैं ये रेफर कर रहे हैं टू समथिंग कॉल्ड स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि SMPS। ये जो है डजंट रियली टेक केयर ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशन, सिर्फ कन्वर्ट कर देता है हायर इनपुट एसी वोल्टेज इनटू लो डीसी वोल्टेज, जो कि फिर सप्लाई किया जाता है टू योर टीवी। नॉर्मली दिस वर्क्स फाइन, कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा, बट इन लॉट ऑफ केसेस SMPS जो है कम्स अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। बहुत हैवी ड्यूटी फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, या बहुत हैवी ड्यूटी वोल्टेज फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन होती है, एंड ओवर टाइम जो क्वालिटी ऑफ द SMPS है वो कम्प्लीटली डिग्रेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब आपके पास तो कोई तरीका है नहीं टू सी हाउ बैडली द SMPS हैज बीन डैमेज्ड इनसाइड द टीवी, और आपको कब पता चलता है? व्हेन इट्स टू लेट। तब तक आपके इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द टीवी बुरी तरह डैमेज हो चुके होते हैं। एक और चीज जो SMPS इज नॉट वेरी गुड एट डूइंग इज वोल्टेज स्पाइक्स या पावर सर्जेस, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। बेसिकली ये केस है व्हेन अ लॉट ऑफ पावर गेट्स सेंट इन स्पैन ऑफ अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स। बहुत कॉमन अकरेंस है, स्पेशली इन एरियाज जहां पे आउटेजेस बहुत होती हैं। कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय थिंग्स लाइक बैड वायरिंग हो, अनफिल्टर्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो। कई टीवीज में SMPS जो है एब्सोल्युटली नो प्रोटेक्शन एट ऑल अगेंस्ट वोल्टेज स्पाइक्स। तो अगर आपका टीवी प्लग्ड इन है, व्हेन देयर इज अ स्पाइक, से गुड बाय, क्योंकि आपका टीवी पीसीबी इज गोइंग टू गेट फ्राइड बिफोर यू कैन इवन ब्लिंक। चलिए, आपको ये तो पक्का पता चल गया दैट योर टीवी एब्सोल्युटली नीड्स अ स्टेबलाइजर, मे बी इवन मोर देन योर एसी एंड फ्रिज। इट डजंट मैटर ब्रांड्स क्या कह रहे हैं अबाउट इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स, यू नो अब वो एक मिथ है और क्या एक्चुअल फैक्ट है। अब क्वेश्चन आएगा, विच वन शुड यू बाय फॉर योर टीवी? कुछ क्रिटिकल फीचर्स हैं दैट यू नीड टू चेक, एंड लेट मी टेल यू अबाउट वी गार्ड, विच मेक्स सम ऑफ द बेस्ट टीवी स्टेबलाइजर्स। वी गार्ड स्टेबलाइजर जो बेसिकली ना एक हाउस होल्ड नेम है, दे हैव इनोवेटेड अ लॉट, लाइक द फर्स्ट वॉल माउंटेड स्टेबलाइजर, इवन IoT इनेबल स्टेबलाइजर उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, ऑल इंट्रोड्यूस बाय वी गार्ड, सो दे नो देयर स्टफ इन दिस कैटेगरी। अच्छा, वी गार्ड ने हमको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, उन्होंने टेस्ट किया है देयर एक्सटर्नल स्टेबलाइजर्स अगेंस्ट दोज इनबिल्ट SMPS इक्विपमेंट जो टीवी के अंदर होते हैं, और ये जो नॉर्मल कोई सर्टिफिकेशन का टेस्ट नहीं है, ये एक्सट्रीम लेवल टॉर्चर टेस्टिंग है, वेयर दे एक्सपोज, उन्होंने किया एक्सपोज SMPS और स्टेबलाइजर्स को टू हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, और फिर चेक किया द टेम्परेचर। इससे उनको पता चला कि लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटीज क्या है ऑल दिस इक्विपमेंट, एंड टू ऐड टू दिस, जितने स्टेबलाइजर्स वीगार्ड के हैं, दे हैव बिल्ट इन सर्ज प्रोटेक्टर्स आल्सो, यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अब आपके टीवी को मिल जाती है। बट हाउ डू यू बाय द राइट स्टेबलाइजर फॉर योर टीवी? मैंने कहा ना कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, आई एम गोइंग टू मेक इट रियली इजी। ईजिएस्ट बाइंग गाइड टू अ टीवी स्टेबलाइजर यहां से शुरू होता है, हियर्स व्हाट ऑल यू नीड टू लुक एट। सबसे पहले आपका टीवी पैनल का साइज देखिए, मेक श्योर यू बाय द स्टेबलाइजर दैट मैचेस योर टीवी साइज। नंबर टू, माउंटिंग, आपका टीवी वॉल माउंटेड है कि टेबल टॉप है? बड़े डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे फॉर ऑल ऑफ दिस। फिर लोड कैपेसिटी इज नंबर थ्री, कैलकुलेट करिए द नंबर ऑफ अप्लायंसेस यू विल कनेक्ट टू दैट स्टेबलाइजर। टीवी है बट व्हाट एल्स, होम थिएटर का कुछ इक्विपमेंट हो सकता है, स्पीकर्स, गेमिंग कंसोल, सेट टॉप बॉक्स, स्ट्रीमर्स, हाउ मच करंट डू दे ऑल ड्रॉ बिसाइड्स द टीवी। एक स्टेबलाइजर ऐसा मत आप ले लीजिएगा दैट विल ओनली फुलफिल व्हाट यू नीड फॉर द टीवी और आपके बाकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता।
फिर डिस्प्ले, डू यू वांट टू स्टेबलाइज इट विद अ डिजिटल डिस्प्ले और एन एलईडी वन? डिस्प्ले से आप थोड़ा मॉनिटर कर सकते हैं इनकमिंग वोल्टेज क्या है, स्टेबलाइज आउटपुट वोल्टेज क्या है. एंड द प्रोडक्ट वी बीन यूजिंग एंड टेस्टिंग नाउ फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीवी स्टेबलाइजर्स ऑन द मार्केट. ये वी गार्ड का क्रिस्टल 100 प्राइम स्मार्ट वोल्टेज करेक्शन है इसमें. इट एडजस्ट द वोल्टेज वेरी वेरी फास्ट, बहुत एक्यूरेट भी है देन कन्वेंशनल सर्किट्स. ये इंश्योर करता है मच मोर रिलायबल आउटपुट, आपका अप्लायंस कंप्लीटली सेफ रहता है. स्पाइक प्रोटेक्शन बिल्ट इन है इसमें. इलेक्ट्रिसिटी लेवल अगर कभी सर्ज कर जाता है इट विल स्टिल एब्सोल्युटली टेक केयर ऑफ इट, एलिमिनेट कर देगा एक्स्ट्रा वोल्टेज को और प्रोटेक्ट करेगा द कनेक्टेड अप्लायंसेस टू इट. इसमें एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन भी है. ये फीचर सेंस कर लेता है एनी एक्सेसिव करंट कंजम्पशन और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है द कनेक्टेड अप्लायंस. दिस विल स्टॉप देम फ्रॉम बर्निंग आउट और बीइंग परमानेंटली डैमेज. ऑफ कोर्स इसके अंदर जो आप देख रहे हैं एक डिजिटल डिस्प्ले भी है व्हिच अलाउज यू टू मॉनिटर बोथ द इनकमिंग वोल्टेज और जो स्टेबलाइज आउटपुट दे रहा है टू योर अप्लायंसेस. प्लस इट लुक्स गुड, कॉम्पैक्ट साइज है, इट कैन इवन बी वॉल माउंटेड. एंड ऑफ कोर्स वी गार्ड आपको देते हैं 3 साल की वारंटी ऑन द क्रिस्टल 100 प्राइम टीवी स्टेबलाइजर. ये सपोर्ट करता है कनेक्शन ऑफ अ स्मार्ट टीवी अप टू 55 इंचेस एंड अ सेट टॉप बॉक्स. एक होम थिएटर और इवन अ गेमिंग कंसोल कैन बी एडेड. तो प्रोटेक्ट करिए ऑल योर अप्लायंसेस विद अ स्टेबलाइजर एंड बाय ऑल द राइट गैजेट्स राइट हियर ऑन टेक मैग्निफाइड एंड कीप कमिंग बैक फॉर अ होल लॉट मोर.